नमस्कार, मैं पूजा यादव लेकर हाजिर हूं आपके लिए चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल, पंजाब और देश दुनिया की कुछ बड़ी खबरें। चलिए नजर डालते हैं ताजा हेडलाइंस पर। दो दिन बंद रहेगा चंडीगढ़ पुलिस हेडक्वार्टर। शिक्षा विभाग में कोरोना पॉजिटिव केस आने के बाद लिया गया फैसला। पिता ने सिखाया बेटे को सबक, 16 लाख रुपए उड़ाने के बाद बेटे को स्कूटर रिपेयरिंग शॉप पर बिठाया। मोहाली में कराया मैच, श्रीलंका का बताया। अंतर्राष्ट्रीय बुकी गिरफ्तार, बीसीसीआई करेगी पूछताछ। कालका पिंजौर को पंचकुला नगर निगम से बाहर किया, अब कालका नगर परिषद का चुनाव होगा अलग। श्रद्धालु घर बैठे मंगवाएंगे हरिद्वार से गंगा जल, हरियाणा में खास सुविधा हो शुरू। दिल्ली से लुधियाना जा रही थी नशे की खैप, अंबाला सीआई ने किया काबू। भोले के भक्तों के लिए खुशखबरी, 21 जुलाई से शुरू हो सकती है अमरनाथ यात्रा। पुराने दिनों की तरह सैलानी निहार सकते हैं हिमाचल की वादियां, विस्तार से बताएंगे एंट्री के नियम। अब खबरें विस्तार से। सेक्टर 9 चंडीगढ़ स्थित पुलिस हेडक्वार्टर को अचानक दो दिन के लिए बंद रखने के आदेश दे दिए गए हैं। शिक्षा विभाग में कोरोना केस मिलने के बाद ये आदेश जारी किए गए हैं, क्योंकि पुलिस हेडक्वार्टर और शिक्षा विभाग का कार्यालय एक ही बिल्डिंग में है। हेडक्वार्टर को बंद कर रखने के आदेश एसपी हेडक्वार्टर मनोज मीणा ने सभी विंग्स और ऑफिस स्टाफ को दिया है। पबजी गेम के चक्कर में पिता के बैंक खाते से 16 लाख उड़ाने वाले बेटे को पिता ने अनोखी सजा दी है। पैसे की अहमियत और सबक सिखाने के लिए पिता ने उसे स्कूटर रिपेयरिंग की दुकान पर बिठा दिया। वह कहते हैं अब उसे फोन नहीं दिया जाएगा। सोमवार को हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में कुछ अहम फैसले सरकार द्वारा लिए गए हैं, जिनमें मुख्य रूप से बात करते हैं पंचकुला की। हरियाणा का सबसे छोटा जिला जिसमें पिंजौर और कालका का नाम सबसे पहले आता है, लेकिन अब पंचकुला नगर निगम से दोनों को बाहर कर दिया गया है। कालका में नगर परिषद का चुनाव अलग से होगा। चंडीगढ़ के पास के एक गांव में मैच करा कर उसे लाइव स्ट्रीमिंग में श्रीलंका का मैच बताने के मामले में मोहाली पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है। इस मामले में पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय बुकी को धर दबोचा है। आरोपी की पहचान रविंद्र कुमार डंडियाल के रूप में हुई है। इस आरोपी की तलाश बीसीसीआई को भी काफ़ी समय से थी। सोनीपत के उपायुक्त श्याम लाल पुनिया ने शिव भक्तों से अपील की है कि इस बार वे कांवड़ लेने के लिए हरिद्वार ना जाएं। उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं के लिए गंगा जल की व्यवस्था सरकार द्वारा की जा रही है, इसके लिए डाकघर है जिसके माध्यम से श्रद्धालु गंगा जल मंगवा सकते हैं। इस समय भी डाकघर में 650 बोतल गंगा जल उपलब्ध है। राज्य सरकार ने फैसला किया कि किसी भी प्रकार के कावड़ लाने के लिए हरियाणा राज्य की सीमाओं से लोग बाहर ना जाएं, और उसके लिए हमने जो कावड़ यात्री जो जिनके संघ हैं अलग अलग, उनको उनके पदाधिकारी को हमने बुला के उनसे भी समझाइश करी है। उन्होंने हमें पूरा आश्वासन भी दिया है कि कोई भी यात्री कावड़ लेने के उद्देश्य से जिले की सीमा को नहीं छोड़ेगा, और जैसे कि पोस्ट ऑफिस के माध्यम से भी 650 से ज़्यादा उनके पास अभी भी यूनिट्स उसकी रखी हुई हैं, जल्द वहाँ से आप अवेल कर सकते हैं, उनके माध्यम से और भी मंगवा सकते हैं। अंबाला सीआईए 1 ने दिल्ली से पंजाब नशे की दवाओं की खेप ले जा रहे दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सीआईए ने इनसे 51,000 नशे की गोलियां, 10 किलो सिरप बरामद किया है। सीआईए का कहना है यह हैवी कॉमर्शियल क्वांटिटी है, यह दवाएं बैन है और एनडीपीएस में एक्ट में आती हैं। सावन महीने में भोले के भक्तों को जिसका इंतजार होता है वो खुशखबरी भारत सरकार ने उन्हें दे दी है। बता दें कि 21 जुलाई से अमरनाथ यात्रा शुरू हो रही है, ये करीब 2 हफ्ते चलेगी और हर रोज 500 श्रद्धालुओं को दर्शन होंगे। हिमाचल में सोमवार से बिना ई पास लोग प्रवेश कर सकेंगे। सैलानियों के लिए भी प्रदेश की सीमाएं सोमवार से खोल दी गई हैं। शुक्रवार शाम को राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने बाहरी राज्यों से हिमाचल में आने वाले सैलानियों को 48 घंटे पहले पंजीकरण करवाने और 72 घंटे पहले की नेगेटिव कोरोना रिपोर्ट के आधार पर प्रवेश देने का फैसला लिया है। अब तक के लिए इतना ही, फिर लौटूंगी आपके लिए देश प्रदेश की कुछ बड़ी ताजा खबरें लेकर। तब तक के लिए देखते रहिए अर्थ प्रकाश टीवी। ताजा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।